गुजी पर। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीके गोयल सॉल्यूशन। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, और 40 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यहां आपको जर्नल एंट्री बनानी है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करता हूँ, उसके साथ साथ भी आपको इजी हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, यानी 10% की कमी आई फिक्स एसेट्स में, नुकसान है। रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा बेटा, टू साइड जाएगा, डीआर साइड। फिक्स एसेट 1.5 लाख का 10% यानी 15,000 टू में। प्रोविजन बनाने 6% के डेप्टर्स में से 1,20,000 का 6% निकालोगे, 7,200 आएगा, टू में जाएगा, टू प्रोविजन 7,200। स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,90,000, पहले थी 1,40,000, बढ़ गया, फायदा है। बाई में जाएगा कितना, 50,000 रुपए। 3,700 रुपए जो क्रेडिटर्स में शामिल थे, अब पैसा नहीं देना, यानी फायदा हुआ, तो बाय क्रेडिटर 3,700 रुपए, यानी कि इस तरीके से। अब बात करिए एंट्री की, तो यहां की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स एसेट्स 15,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन 7,200, स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन 50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन 3,700। अब यहां प्रॉफिट आएगा, यहां का टोटल किया तो आया 53,700 रुपए, और यहां का जब करोगे बैलेंस तो 31,500 का आएगा प्रॉफिट। 31,500 को जब आप उनके रेशियो में 4:3 में बांट दोगे तो 18,000 एक्स का और वाई का 13,500। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट अमाउंट, इसी के हिसाब से आंसर भी देख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 31,500। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद हम बनाएंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, न्यू रेशियो आपको दे रखा है, पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था 4:3, न्यू रेशियो था 2:1। तो एक्स का ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस 2/3 करा तो माइनस में आएगा 2/21, तो यानी कि गेन करेगा, ये डेबिट होगा। वाई का ऐसी करेंगे तो 2/21 सैक्रिफाइस करेगा, एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाई कैपिटल। रिजर्व कितने का हमारे पास, 42,000 का, तो 42,000 को हम इस रेशियो में करेंगे तो 4,000 रुपए आएगा। ये 4,000 एक्स का तो इधर जाएगा और वाई में इस साइड जाएगा, एक्स डीआर है और वाई सीआर। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने जो पहला चैप्टर था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वहां से समझा होगा, फिर भी मैं बता दूं, सीआर साइड पार्टनर्स के होने वाले सारे फायदे और डीआर साइड पार्टनर्स के होने वाले सारे खर्चे या नुकसान आते हैं। सबसे पहले बाई साइड में जाता है, बाई बैलेंस जो उनकी कैपिटल थी, एक्स की थी 2,40,000 और वाई की थी 1,20,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स को हुआ था 18,000 का, वाई को 13,500 का। उसके बाद जो जनरल रिजर्व का आपने एडजस्टमेंट किया तो वाई में आएगा 4,000 और एक्स में 4,000 इधर। अब बैलेंस करेंगे, इधर जोड़ेंगे तो आएगा 2,58,000, इधर 4,000 माइनस करके 2,54,000 आएगा एक्स का, और वाई का इस साल जोड़ करके इधर डाल देना है तो 1,37,500 वाई का आंसर आप देख सकते हैं। एक्स का 2,54,000, वाई का 1,37,500, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व कितना है 4,000। अब बात आई बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हम कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं किन किन वैल्यू में चेंज आया है। कैश में कोई चेंज नहीं, तो कैश ऐसे के ऐसे ही एसेट साइड, पहले फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब यहां देखो कैश में कोई चेंज नहीं था तो 20,000 आ जाएगा। सैंडी डेटर्स कितने के थे, 1,20,000 के, प्रोविजन बनाया था यहाँ 6%, 7,200, तो 1,20,000 में से 7,200 माइनस करोगे तो 1,12,800 डेप्टर्स में जाएंगे। उसके बाद स्टॉक 1,40,000 का था, कितने का हो गया था, 1,90,000, तो स्टॉक जाएगा 1,90,000 का। फिक्स एसेट 1.5 लाख की थी, 15,000 डेप लग गया था तो कितना आएगा, 1,35,000। ये तो होगी फिक्स एसेट्स की बात। यहां बात करिए तो सैंडी कैटर 3,700 रुपए के माफ हुए थे तो 28,000 में 3,700 माइनस के 24,300। कैपिटल अकाउंट में आपने निकाला एक्स का 2,54,000 और वाई का 1,37,500 और जनरल रिजर्व कितना था 42,000। दोनों साइड का टोटल करोगे तो लायबिलिटीज का भी टोटल आएगा 4,57,800 और एसेट्स का भी आएगा 4,57,800। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, आंसर भी चेक सकते हैं 4,57,800। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 में तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ओके, 5/4 दे रखा है, बैलेंस शीट भी आपको दे रखी है। क्वेश्चन में चीज क्या दे रखी है वो देखो, पार्टनर एग्री डेट अल्टर वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, ना ही वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, वो चाहते कि एक सिंगल एंट्री से सारा मामला रफा दफा हो जाए। जब भी ऐसा केस आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे क्या क्या लॉस हो। क्वेश्चन नंबर 41,
तो यहाँ क्या क्या लॉस हो रहा है, वो लॉस वाली बात। फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू थी 60,000, 80% होगा 48,000, यानी 12,000 का लॉस। तो लॉस ऑन फर्नीचर कितना, 12,000। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हुआ यानी बढ़ेगा, पहले लॉस की बात हो जाए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी 4,00,000, पहले थी 4,20,000, तो लॉस हुआ 20,000 का। लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। उसके बाद प्रोविजन बनाना है, ये भी लॉस है हमारे लिए एक तरीके का। लॉस ऑन प्रोविजन 10,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, अब ये दोनों प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ 3,000 का, और यहाँ स्टॉक एप्रिशिएट हुआ 20%। स्टॉक की वैल्यू है 3,00,000, 3,00,000 का 20% 60,000। तो पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूं, 12,000, 20,000 और 10,000, ये आया 12,000, 20,000 और 10,000। तो यहां का आएगा 42,000, ये भी लॉस है हमारा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है 3,000 से, तो लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, ये टोटल करके आएगा 45,000 का लॉस। अब बात करी जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहां हो रहा है 60,000 का, प्रॉफिट ऑन स्टॉक। और कोई कुछ नहीं है, तो यहां सब करने के बाद 45,000 का लॉस है, 60,000 का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कितना आएगा रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा 15,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिजर्व को और ऐड कर देंगे। रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में 75,000 का, टोटल कितना हो गया 90,000। इस 90,000 को बांटना है, तो इस 90,000 के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो सेकेंडरी वेरिएशन निकालते हैं। तो ये देखो, पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो 5:43 और न्यू है 4:32, तो पी का ओल्ड माइनस न्यू करा तो 1/36 आएगा, माइनस में है तो क्या होगा गेन। क्यू का कुछ नहीं आएगा 0, आर का 1/36। एंट्री क्या होगी, पी कैपिटल अकाउंट डी आर टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट टोटल कितना है 90,000, 90,000 इंटू 1/36 करोगे तो दोनों साइड 2,500, ये एंट्री पास होगी 2,500। बात करी जाए बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या करना है आपको, बैलेंस शीट में ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं ना, अमाउंट देख रहे हैं, यहाँ 4,00,000 है, तो 4,00,000 में से 2,500 माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2,00,000 है, 2,00,000 में 2,500 ऐड हो जाएगा, बस। और कुछ भी नहीं करना आपको बैलेंस शीट में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 कर लिए न्यू एडिशन के हिसाब से। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से, और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में ये आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, है ना। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना।